तो यहाँ पर वो पंजी का टिकट मिलता है। कुछ 5 राइड है जेट स्की, पैरा सेलिंग ऑन द रोड्स ऑफ गोवा कॉटेज है जहाँ पर हम रुके हैं। बैग देख करके आप समझ गए होंगे कहीं ना कहीं जा रहे हैं, तो इस बार हम जा रहे हैं गोवा। ये सफ़र रहेगा गोवा का, ये वास्को द गामा एक्सप्रेस। तो ये है गोवा एक्सप्रेस, अभी हम तो सेटल डाउन हो गए, थोड़ा वक्त लगेगा और फिर ये निकल जाएगी। वैसे सफ़र कुछ 3.5 से 4.5 किलोमीटर का रहता है, सवेरे तक गोवा में होंगे। सो अभी 8:24 हो गए इन द मॉर्निंग, 8:24 और हम पहुंच गए वास्को दी गामा। ये है वास्को दी गामा स्टेशन, ये हमारी ट्रेन थी। यहाँ से जाएंगे, मैंने तो सच में बताऊँ तो मैंने प्लान तो ऐसे कुछ किया नहीं है, कुछ वीडियोस देखे हैं, तो देखते हैं अभी बाहर जाके क्या होता है क्या नहीं, जो होगा अच्छा ही होगा, शायद नहीं होगा तो जो भी है देख लेंगे। ये ट्रेन में से वो दूध सागर के वाटरफॉल से वो दिखता है, बट लेकिन मॉर्निंग में यानी जैसे अंधेरा होता है ना, तो अंधेरे वाले टाइम में वो वाटरफॉल्स क्रॉस होता है तो इसीलिए वो दिखता नहीं है, बट लेकिन जो इवनिंग में यहाँ से आप जाते हो तब वो दिखता है। ये स्टेशन के सामने वाला रोड है, यहाँ से आप जब जाते हो तो बाहर आपको है ना ये टू व्हीलर्स वगैरह होती है रेंटेड, तो ये रेंटेड टू व्हीलर्स का ऐसा जुगाड़ है कि 400 से 500 रुपीज़ में पर डे होता है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप यही से कर लो तो अच्छा है। तो यहाँ से कुछ 8:30 बजे इवनिंग का उनका जैसे यानी रिटर्न करने का टाइमिंग होता है, ऐसा अच्छा है। फिलहाल यहाँ पर गोवा में 97 रुपीज़ पर लीटर चल रहा है पेट्रोल, अच्छा। स्टेशन से जब आप सामने एग्जैक्ट आते हो तो एग्जैक्ट सामने यहाँ पर एक बस स्टॉप है, यही बस स्टॉप से आपको फिर पूरे गोवा में घूमने के लिए जो स्टार्टिंग का है तो आप कहीं भी लोकेशन पे जा सकते हो, तो एकदम से कैब वगैरह रेंट करने की ऐसी कोई तो ज़रूरत नहीं है। एक जैसे आप सिटी के साथ फैमिलियर हो जाते हो ना तो फिर आप ये चीज़ें कर सकते हो। चलो देखते हैं अभी आते हैं, फिर आपको यहाँ पर बस स्टैंड है, यहाँ से फिर पणजी वगैरह साइड में जाने के लिए वास्को टू कुठाड़ी पणजी जाते हो तो यहाँ पर वो पणजी का टिकट मिलता है। ये मैंने भी टिकट लिया है, कुछ 48 रुपीज़ का एसी शटल का टिकट होता है और 43 का नॉन एसी का, तो ये एसी बस है, यहाँ से आपको टिकट लेना है और ये जो बस है इसके अंदर फिर आप पणजी जा सकते हो। तो अभी हम तो पणजी जा रहे हैं, फिर कैलिंगुट वगैरह साइड में या फिर बागा साइड, मैंने तो ज़्यादा रिसर्च करी नहीं है, देखते हैं कैसा होता है। तो ये ऐसी बस होती है, होटल का चेक इन वगैरह करके हमने आए थे बागा बीच। बागा बीच के ऊपर अभी ये स्लिप बनवा है, यहाँ से कुछ 5 राइड है, जेट स्की, पैरा सेलिंग, बनाना राइड, हाई स्पीड बोट, ऐसा कुछ करके 1200 रुपीज़ उन्होंने उसका पर्ची बना के दिया है। ये बाइक ली थी मैंने, इसके पे किए 350 फॉर अ डे, सवेरे 9 बजे तक है इसका, तो देखते हैं अभी कैसा होता है। ये भी बागा बीच पे चलो एक्टिविटीज ट्राई करेंगे। तो अभी टिकट लेने के बाद ये एसी बोट में आपको बिठाते हैं, एसी बोट में फिर आपको पैरासेलिंग पे लेके जाते हैं। इसके साथ एक स्कैम जैसा लगता है मुझे, ये जो जेट स्की का सीन है, ये जेट स्की का सीन ऐसा है कि यहाँ से लेके जाएंगे एक राउंड करके बस रिटर्न लेके आएंगे, दैट इज़ काइंड ऑफ अ स्कैम। वो लगता है कि बहुत ज़्यादा है बट लेकिन वो होता नहीं है, देखते हैं ये पैरासेलिंग कैसा होता है।
सो म्हणजे जर मी तिथून म्हणजे 1200 तिकीट घेतलं, पॅकेज घेतलं, हे काय हे कसलं घेतलेलं आहे 1200 जे मी कॉम्बो घेतलेला आहे, हा कसला घेतलेला आहे? पॅकेज आहे. हां, तर पहिले दुसऱ्यांना दे ना, दुसऱ्यांना जाऊ देत. हां, त्या पॅकेजमध्ये फक्त 100 फीट का? अच्छा, डिपका सेपरेट बोल रहे हैं. हाँ, ही इज आस्किंग फॉर 300 मोर फॉर डीप. ओके. तो ये है भाई पैरा सेलिंग. तो ये अपन ने क्या किया, ये 300 ऊपर दिया है. आई ला ए झटके लागतात राव. तो ये है गोवा का पैरा सेलिंग. इसी पैरासेलिंग की राइड में आपको ये डीप भी होता है, तो जैसे पानी के अंदर गिराएंगे, पानी के अंदर आप झूलते हो तो ये अलग मजा है. ये ऐसी जो पैकेज वाली राइड होती है, जो जैसे 1200 का जो पैकेज है उसके अंदर आपको ये सीन होता है कि उसमें सभी चीज़ें लिमिटेड होती है, जैसे टाइम होगा, हाइट होगी, ये सभी चीज़ें लिमिटेड होगी. और अगर आप जैसे इंडिविजुअल लेते हो तो उसमें कोई इसका लिमिट नहीं है, जैसे ना हाइट का लिमिट है ना टाइम का लिमिट है, वो डीप हाइट में सब 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 वो हो जाता है अगर इंडिविजुअल पैकेज लेते हो. और अगर ये मैंने जो सका वैसा सीन है, वो हर एक की अपनी चॉइस होती है, उस हिसाब से आप ले सकते हो. उसी के साथ अगर आपको स्विमिंग भी करनी है यहाँ पर तो 200 रुपये देने पड़ेंगे इनको. तो ये ब्लू वाटर पे आपको स्विमिंग भी करवाएंगे. ये एक और नया सीन है. तो इसके बाद ये है बम्पर राइड. ये छोटा बम्पर होता है, उसके अंदर घुमा एक छोटा सा राइड होता है, वो मैं अभी करूँगा. देखते हैं, ये ऐसा उसका टिकट होता है. शाम होने में आई है, चलो जल्दी जल्दी फटाफट खत्म करते हैं. यहाँ पर एक चीज़ जैसे देखने जैसी है कि आप कोई भी अगर पैकेज में लेते हो तो आपको हर चीज़ के लिए अगर अच्छे से करना है तो इंडिविजुअली कुछ ना कुछ पैसे वो मांगते हैं. अभी जैसे बम्पर राइड की थी मैंने, तो उसमें वो बोला अगर आपको अच्छे से करना है, ज़्यादा टाइम करना है तो 300 रुपये दे दो. तो वही बात अभी देखते हैं कि जेट स्की का भी वैसा ही होगा मेरे ख्याल से. तो चलो देखते हैं क्या सीन है. ये रहा जेट स्की का टिकट. तो गाइस ये है मेरे पीछे बनाना राइड. ये होती है बनाना राइड. हम इसके ऊपर जाएंगे, अपना टिकट है. ये अच्छा था. बस ऐसा है कि अगर इंडिविजुअल पैकेज लेते हो आप सामने से तो हर चीज़ का टाइमिंग बहुत ज़्यादा होता है, और अगर अकेले होते हो यानी पैकेज के अंदर, तो फिर वो जस्ट 2-2 सेकेंड 3-3 सेकेंड में ख़त्म हो जाता है. तो इसीलिए आई वुड रिकमेंड कि पैरा सेलिंग का 300 एक्स्ट्रा दे देना, बाकी फिर पैकेज 1200 वाला ही सही है. इसमें कुछ ऐसा मज़ा नहीं है.
तो ये सभी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई है, अब चलते हैं रूम पे, वहाँ पर स्विमिंग पूल में थोड़ा एंजॉय करेंगे, फिर रात में कुछ देखेंगे। तो ऐसा है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जब बाहर हो यानी बागा बीच के एंट्री पर, तभी ये पैकेज वगैरह कर लो यहाँ से 1200 वाला, और वहाँ पर 300 एक्स्ट्रा दे देना, ये अच्छा होता है, ज़्यादा यानी झंझट नहीं होता है। तो ये है पूल, जो हमने स्टे वाली होटल है वहाँ का, अच्छा है होटल। यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, उसके हिसाब से मैंने जैसे भी गोवा में देखा, तो शाम 7 बजे के बाद वैसे पूल्स को बंद कर दिया जाता है। तो ये जस्ट ये साइड में ओपन रूफ रेस्टोरेंट है, तो खाने के साथ पूल भी है। यहाँ पर मॉर्निंग में आएंगे, अभी तो मैं थोड़ा एंजॉय करता हूँ। कॉटेज है जहाँ पर हम रुके हैं, ऊपर पूल था थोड़ी देर पहले मैंने जो दिखाया, तो निकल गया यहाँ से। अभी क्या करते हैं ना, थोड़ा देखते हैं अभी कुछ खाना पीना वगैरह, यहाँ पर भी खाना होता है, बट लेकिन हमने सोचा थोड़ा बाहर जाएंगे, गाड़ी निकालेंगे और चले चलते हैं यहाँ से। और हम घूम रहे हैं ये बाइक लेके, ऑन द रोड्स ऑफ गोवा। वैसे आपने मुझे बहुत सी बार नॉनवेज खाते ही देखा होगा, पर मैंने कुछ महीना डेढ़ महीना हो गया मैंने नॉनवेज छोड़ रखा है, तो आज हम वेजिटेरियन ढूंढ रहे थे। तो यहाँ पर एक करी लीव्स करके है, यहाँ पर हमने वेज थाली खाई है, अच्छी थी, मज़ा आ गया। तो अगर किसी को वेज खाना खाना है तो किंग्स सैलून के बाजू में कैलंगुट रोड जो है वहाँ पर यह होता है करी लीव्स, यहाँ पर आना, टेस्ट अच्छा है सच में।